मेरा नाम है डॉक्टर ईश्वर गिलाड़ा। मैं संक्रामक रोग तज्ञ हूँ, ऑर्गेनाइज मेडिसिन एकेडमी गिल्ड एंड ओमैक और पीपल्स हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इंडिया, इन दो संस्थाओं का मैं सेक्रेटरी जनरल हूँ। हम कोविड-19 विषय के अलग अलग पहलुओं पर चर्चा कर रहे हैं। पिछले दो दिनों में कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हुई है, उस पर हम चर्चा करते हैं। एक टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च और नीति आयोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इनके माध्यम से मुंबई के स्लम्स में और नॉन स्लम पॉपुलेशन में एक सर्वे हुआ, जिस सर्वे के अंदर कोविड-19 एंटीबॉडी IgG टेस्ट की गई और ऐसा पता चला कि स्लम पॉपुलेशन में 57% में IgG एंटीबॉडी पॉजिटिव आई है और नॉन स्लम पॉपुलेशन में 17% में IgG एंटीबॉडी पॉजिटिव आई है। इसी प्रकार के सर्वे दिल्ली, अहमदाबाद और मुंबई के शहरों में हुए और इन शहरों में अगर नॉन स्लम पॉपुलेशन देखी जाए तो 20% लोगों को IgG एंटीबॉडी पॉजिटिव आई है। इसका मतलब इन लोगों को कभी ना कभी कोविड-19 इन्फेक्शन होकर चला गया, इनको पता ही नहीं चला। जो मुंबई का सर्वे है उसके अंदर 6936 यानी 6936 लोगों में सर्वे हुआ, उसमें लगभग 70% स्लम पॉपुलेशन है, 30% नॉन स्लम पॉपुलेशन है। स्लम पॉपुलेशन में महिलाओं में यह संक्रमण थोड़ा अधिक पाया गया, पुरुषों में थोड़ा कम था। हो सकता है कि महिलाएं स्लम में ज्यादा काम करती है, वो ज्यादा बाहर जाती है कुछ खरीदी करने के लिए, बाजार के लिए वगैरह, या उनको जेनेटिकली वो ज्यादा प्रोन है इन्फेक्शन के लिए। जब इस प्रकार का इन्फेक्शन और रेट सामने आता है तो हमारे सामने दो सवाल आते हैं। एक तरफ है, हमने पूरा लॉकडाउन किया 4 महीने का, क्या लॉकडाउन का फायदा इन्फेक्शन कंट्रोल करने में हुआ? तो ऐसा लगता है कि यह फायदा उसका नहीं हुआ, क्योंकि इतने प्रतिशत लोगों को इन्फेक्शन हुआ जो फुल लॉकडाउन में थे। दूसरी चीज यह सामने आती है कि क्या यह इतना इन्फेक्शन होना सही है या गलत है, अच्छा है या बुरा है? इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए, उस ढंग से बुरा है, लेकिन अगर इस प्रमाण में इन्फेक्शन आगे फैल गया, लोगों को तकलीफ नहीं हुई, असुविधा नहीं हुई, बीमार नहीं हुए और लोग मरे नहीं, तो ये हर्ड इम्यूनिटी तक पहुंचने के लिए बहुत अच्छी चीज है। अब हर्ड इम्यूनिटी क्या है कि एक ऐसी इम्यूनिटी होती है कि जो अगर आप वैक्सीन से ले लो तो इम्यूनिटी आती है लगभग 50-60% लोगों में, तो बाकी 40% लोग बच जाते हैं, या इन्फेक्शन होके चला गया तो अगर 60% लोगों में आता है तो 40% लोग बच जाते हैं। हमने देखा कि जो जो वैक्सीनेशन के प्रोग्राम है, पोलियो वैक्सीनेशन है, स्मॉल पॉक्स वैक्सीनेशन है, MMR वैक्सीनेशन है, मिजल्स रूबेला वगैरह, ये सब वैक्सीनेशन में हमने 100% लोगों को वैक्सीनेशन नहीं कर सके, लेकिन जो बचे हुए लोग हैं अपने आप से उनको इम्यूनिटी आ गई। तो हर्ड इम्यूनिटी एक अच्छी चीज है, लेकिन हमें क्या करना है, जब तक वैक्सीन नहीं आता या हर्ड इम्यूनिटी अपने आप से नहीं आती, तब तक हमें लोगों को इन्फेक्शन से बचा के रखना है, जो हमारे SMS के प्रैक्टिसेस है उसके जरिए, जो सोशल डिस्टेंसिंग है, मास्क है और सैनिटाइजेशन है, और जो लोग इन्फेक्टेड है उनको मरने नहीं देना है। तो हमने पिछले कुछ दिनों में या 2 महीनों में इन्फेक्शन डेथ रेट जो 5.4% था मुंबई में, उसको अभी 3% तक लेके आ गए हैं, और भारत देश का जो डेथ रेट है अभी 2.3% है। अगर हमने डेथ रेट कंट्रोल कर लिया तो हमने आधी जंग जीत ली। अब हर्ड इम्यूनिटी के बारे में विकिपीडिया में क्या कहा गया, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। हर्ड इम्यूनिटी इसका मतलब है झुंड प्रतिरक्षा, झुंड प्रभाव, सामुदायिक प्रतिरक्षा, जनसंख्या प्रतिरक्षा या सामाजिक प्रतिरक्षा। संक्रमक रोग से अप्रत्यक्ष संक्रमण का एक रूप है जो तब होता है जब आबादी का एक बड़ा प्रतिशत किसी संक्रमण के प्रति प्रतिरक्षा बन जाता है, चाहे टीकाकरण या पिछले संक्रमणों के माध्यम से। इस प्रकार उन व्यक्तियों के लिए सुरक्षा का उपाय उपलब्ध है जो प्रतिरक्षा नहीं करते हैं। जिस जनसंख्या में व्यक्तियों के एक बड़े हिस्से में प्रतिरोधक क्षमता होती है, ऐसे लोगों को रोग संचरण में योगदान करने की संभावना नहीं होती, संक्रमण की श्रृंखलाएं बाधित होने की अधिक संभावना नहीं होती है, जो या तो बीमारी के प्रसार को रोकती है या धीमा कर देती है। एक समुदाय में प्रतिरक्षा व्यक्तियों का अनुपात जितना अधिक होगा, गैर प्रतिरक्षित व्यक्तियों की संभावना उतनी ही कम होगी, जो गैर प्रतिरक्षित व्यक्तियों को संक्रमण से बचाने में मदद करेगी। तो हम हर्ड इम्यूनिटी से बचे हुए लोगों को बचाना चाहते हैं। अब हमें यह देखना है कि जो दूसरी डेवलपमेंट हुई है, एक आज इंटरनेशनल मल्टी कंट्री सिंपोजियम था जिसके ऊपर वैक्सीन पर चर्चा हुई, वैक्सीन के साइंस के ऊपर और वैक्सीन के एथिक्स के ऊपर, कि वैक्सीन कितना जल्दी मिल सकता है, वैक्सीन किसको पहले देना चाहिए, उसके सेफ्टी और एफिकेसी के ऊपर। और एक बहुत अच्छा अनुभव हुआ कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने कई बड़े बड़े साइंटिस्ट लेके आए, जिसके अंदर एंथनी फौची जैसे जो US के हैं, लंदन स्कूल ऑफ हाइजीन से आए थे,
और हमारे भारत देश के भी हेल्थ सेक्रेटरी और आईसीएमआर सेक्रेटरी जनरल ने भी बात किया, तो काफी सवाल के जवाब वहां पे हुए हैं। देखते हैं क्या होता है आगे कुछ महीनों में। धन्यवाद।